हेलो मॉमिस, हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन। आई एम भावना, मॉम ऑफ टू किड्स। आज के इस वीडियो हम बात करेंगे करवा चौथ के रिचुअल्स के बारे में। आई बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हमारे क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, और इस वीडियो में मैं सारे इसी चीज के बारे में बात करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लास्ट में लाइक करके शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में अपने रिचुअल्स बताना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारे में क्या होता है, करवा चौथ से कुछ दिन पहले जो है मदर इन लॉ जो है वो सरगी भेजती है। सरगी मतलब कि वो सारा सामान जो आपको सुबह उठ के खाना है, मतलब तारों की छाव में जब तक बाहर अंधेरा होता है, तारे होते हैं, तब तक उस टाइम पे आपको जो खाना होता है उसे सरगी बोलते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, ये सब कुछ जो है मदर इन लोग भेजती हैं, बट मेरे ससुराल साइड ये ट्रेडिशन है, वो लोग कहते हैं कि ये सब कुछ मायके साइड से आना चाहिए, और मायके में कहते हैं कि ये सब जो है ससुराल से सास देती है। तो इस चक्कर में ना मेरा मायके से आता है और ना ही मेरा ससुराल से आता है। तो यूजुअली सरगी क्या है, मैं खुद ही खरीदती हूँ, मुझे हस्बैंड जो है दे देते हैं कि आपको जो खरीदना है खरीद लो। तो शुरू से ही 2017 में मेरी मैरिज हुई थी, तो तब जो मेरा फर्स्ट करवा चौथ आया था, तो तब से ही ये रिचुअल मैं फॉलो कर रही हूँ कि सरगी में जो भी सामान चाहिए होता है वो मैं खुद से ही खरीद लेती हूँ। तो सरगी में मैं पांच चीजें खाती हूँ। फर्स्ट इज फूड, फूड में कुछ भी रोटी सब्जी। सेकेंड इज फ्रूट, फ्रूट पे मैं खाती हूँ बनाना। थर्ड इज ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट पे मैं प्रेफर करती हूँ रेजिन यानी किशमिश। नेक्स्ट इज कोकोनट, कोकोनट को रिप्लेस करके कभी कभी मैं स्वीट्स भी रख लेती हूँ, रसगुल्ले या गुलाब जामुन। रसगुल्ले मेरे फेवरेट हैं, तो आई प्रेफर रसगुल्ले इंस्टेड ऑफ कोकोनट। एंड द फिफ्थ थिंग इज फेड़िया, फेड़िया जो है मस्ट होती है करवा चौथ के टाइम। मार्केट में जो है दो तरह की फेड़िया मिलती है, व्हाइट भी और ब्राउन भी। मैं जो हूँ ब्राउन वाली फेड़िया लाती हूँ, उसका जो टेस्ट होता है वो अमेजिंग होता है। उस टाइम सर्दी के साथ जो है आप पानी पी सकते हैं, उसके पूरा दिन पानी वगैरह नहीं पीना होता है। कुछ लोगों में क्या होता है कि वो लोग जो है पूजा वगैरह करने के बाद शाम को जो है चाय वगैरह पी लेते हैं, बट मैं वो भी नहीं करती हूँ। तो सुबह 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले नहा धो के मैं किचन में गई। सिर्फ जो है हमारे में जो बाल धोना होता है वो एक दिन पहले धोते हैं करवा चौथ के फास्ट से एक दिन पहले। उसके किचन में जाके फिर खाना वगैरह मैंने सरगी का सारा बनाया, जो भी रोटी सब्जी जो भी था, और 5:30 बजे तक मैं अपनी सरगी खाकर फ्री हो चुकी थी। कुछ चीजें हैं जो हमारे में फॉलो करते हैं, वो होता है कि इस दिन जो है हमें कुछ भी मैला धोना नहीं होता, नाइफ या सीजर का यूज नहीं करना होता, सुई से हमें कुछ सिलना नहीं होता, मीन्स कुछ काटना या सिलना नहीं होता है, और अगर कोई सो रहा है तो उसको जगाना नहीं होता, अगर कोई आपसे नाराज है तो उसको मनाना भी नहीं होता। ये सारी चीजें जो है आज के दिन जो है फॉलो करी जाती है, एंड आई बिलीव दीज थिंग्स। तो मैं जो भी मुझे सब्जी वगैरह काटनी होती है मैं एक रात पहले ही काट के सोती हूँ। और करवा चौथ में मैंने जो है स्पेशल जो है स्मूथिंग भी कराई है। ये स्मूथिंग जो है मैंने सेकंड टाइम कराई है, इससे पहले मैंने कराई थी जनवरी 2020 में, और वो मेरी 1.5 साल चल गई थी, और अब मैंने फिर से जो है सेकंड टाइम जो है स्मूथिंग कराई है, प्लस मैंने जो है केराटिन ट्रीटमेंट लिया है। सो माय न्यू करवा चौथ लुक इज हियर। और जो हमारे में सरगी खाते हैं वो प्रॉपर रेडी होके खाते हैं, मीन्स नहा धोके तैयार होके। आपको अपने बैंगल्स, एंकलेट, जो भी आपके जो भी ये सारी चीजें होती हैं, जो भी मतलब इंटर ट्रेडिशन के पहने जाने वाली चीजें होती हैं, सारी ज्वेलरी वगैरह, वो सब आपको पहननी होती हैं, और उसके बाद ही हम लोग जो है सरगी खाते हैं। उसके बाद जो पूजा का टाइम होता है वो होता है 4:15 बजे का। तो पूजा से पहले जो है बहुत सारी तैयारियां करी जाती है। उसमें क्या होता है, आटे के 2 दिए बनाए जाते हैं, जो कि पूजा करने के बाद यानी कथा सुनने के बाद और जो थालियां घुमाने के बाद, एक दिया वहीं पे तुलसी के वहां रख के आना होता है जहां पे हम पूजा करने जाते हैं, मतलब वहाँ एक घर है और वहीं पे सारी लेडीज आ जाती हैं। और दूसरा दिया जो है वो रात को जब हम चांद को अर्घ देते हैं तब यूज करते हैं, उसको भी बाद में तुलसी के आगे रख देते हैं। तो मुझे आटे के 2 दिए बनाने होते हैं इस दिन। 2 दिए बनाने के बाद जो थाल होता है, जो शादी के टाइम एक थाल दिया जाता है ड्राई फ्रूट का, वो थाल मैं यूज करती हूँ। उसी में कपड़ा दिया जाता है साथ में, उसी में हम वो चीज रखते हैं जो हमें अपनी मदर इन लॉ या किसी बड़े को घर में देनी हो। अगर आपकी मदर इन लॉ पास रहती है तो आप मदर इन लॉ को दे सकते हैं, अगर मदर इन लॉ दूर रहते हैं तो आप जो आपको कथा सुनाती हैं पंडितारी, आप उनको भी वो सारी चीजें दे सकते हैं। तो इस थाल में जो है मैं इसके अंदर रखती हूँ, यूजुअली मैं जो हूँ देती हूँ ड्राई फ्रूट ही प्रेफर करती हूँ मैं, बादाम, किशमिश, यही मेरा फिक्स है। तो ये इस थाली में रखना होता है जब ये थाली घुमाई जाती है, और साथ में एक लोटा रखते हैं हम स्टील का, इसमें एक मूली बांधी जाती है और उसके अंदर पानी और कच्चा दूध डाला जाता है, और वहां पर जब पूजा के लिए जाओ तो वहां पर वो उसमें राइस और जो घास होती है ध्रुव घास वो डालते हैं। और हमारे में क्या होता है, जहाँ कथा करने जाते हैं वो एक डॉल टाइप रख देते हैं, उसको वीरो गुड़ी बोलते हैं, उसका सारा मेकअप करना होता है, मीन्स उसे काजल लगाना होता है, उसे सिंदूर लगाना होता है, और उसके आगे जो है कुछ फ्रूट और मीठी मट्ठी जो है रखी जाती है, और जितनी आपकी श्रद्धा है उतने पैसे रखे जाते हैं। जो व्रत पूजने का टाइम है वो होता है यूजली 4 से 4:30 के आसपास। तो आज जो मैं वियर करने वाली हूँ, मैं ये स्कर्ट सूट वियर करूंगी, और ये देखिए इस तरह से गोल्डन कलर की जो है स्कर्ट है, इस पे जो है शिमरी वर्क हो रखा है,
ये सूट है जो ऑरेंज कलर का है, इस पे पूरी एम्ब्रॉयडरी है, बीच में से इसका कट है, और ये जो दुपट्टा है इस पे गोटा लगा हुआ है। मतलब इस तरह से इस पे साइड पे किनारी है और ये नेट वाला दुपट्टा है साथ में। तो कथकली जब जाते हैं तो वहां पे एक पंत्याणी होती है, वो बीच में बैठ जाती है और सारी लेडीज जो है एक राउंड बना के उनके आसपास बैठ जाती हैं, वो कथा सुनाती हैं। कथा कंप्लीट होने के बाद जो है वह थालियों को 5 बार घुमाया जाता है कुछ पंजाबी में लाइंस बोल के, और उसके बाद जो है ये व्रत जो है पूजा है इसकी वो कंप्लीट होती है, और एक जो दिया होता है वो हम वहीं पर तुलसी के आगे छोड़ आते हैं। दूसरा दिया जो है वो रात को जलाते हैं जब हम चांद को अर्घ देते हैं, यानी छन्नी लेके जब हमें चांद देखना होता है तो दूसरा दिया हम तब जलाते हैं, उसको छन्नी के बीच में रख देते हैं, और चांद को अर्घ देने के लिए हम जो लोटे में हमारा जो पानी और दूध का हमने जो बनाया होता है उससे हम चांद को अर्घ देते हैं, और जो मीठी मट्टी है उससे हम चांद को अर्घ देके अपना फास्ट जो है कम्प्लीट करते हैं। यानी पूजा करने के बाद आप 5 बजे तक फ्री हो जाते हैं, उसके सिर्फ इंतजार होता है तो चांद निकलने का इंतजार होता है। चांद को इस तरह से अर्घ देने के बाद जो फास्ट कंप्लीट हो जाता है और हस्बैंड जो है पानी पिला देते हैं। तो ये थे मेरे ट्रेडिशन जो मैं फॉलो करती हूँ, आप अपने ट्रेडिशन जो है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू। हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इस चैनल पे मैं आपके लिए वीडियोस लेके आती हूँ अबाउट द पेरेंटिंग, चाइल्ड केयर, प्रेगनेंसी, डिलीवरी टिप्स एंड ट्रैवलिंग वीडियो। See you soon with something new. Happy Karva Chauth to everyone. Bye-bye.